हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल सीमास किचन चौहान में। आज मैं आपको बताऊंगी सोयाबीन बिरयानी कैसे बनती है। तो चलिए बनाते हैं सोयाबीन बिरयानी। सोयाबीन बिरयानी बनाने के लिए हमें चाहिए सोयाबीन, जिसे 1 घंटे पहले पानी में भिगो के रख देना है। और हमें चाहिए 3 आलू, 2 प्याज, 1 टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट, हरा धनिया, हरी मिर्च और ये चावल जिसे 1 घंटे पहले भिगो के रख देना है। अब मैंने कढ़ाई में 3 चम्मच तेल गरम किया है। इसमें डालिए 1 चम्मच राई, 1 चम्मच जीरा, 1 अब इसमें डाल देंगे हरी मिर्च बारीक कटी हुई, प्याज डाल देंगे इसमें और अच्छे से भून लेंगे इसे। अब डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डाल देंगे आलू, अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक ताकि आलू जल्दी से पक जाए। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये आलू पकते हैं जब तक हम हमारा मसाला तैयार कर लेते हैं। यहाँ मैंने 1 चम्मच लाल मिर्च लिए, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर। अब इसमें डाल देंगे पानी, आप अपने हिसाब से और भी मसाले डाल सकते हो। अब इसमें डाल देंगे हम टमाटर, टमाटर अच्छे गल जाए तब तक इसे पका लेना है। अब इसमें डाल देंगे हम मसाला, अब इसे अच्छे से पका लेंगे जब तक ये मसाले अच्छे से पक ना जाए। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। मेरी और वीडियो देखने के लिए आप इस आई बटन पे क्लिक कर सकते हो। ये देखिए, अब इसमें डाल देंगे सोयाबीन। सोयाबीन को पानी में भिगोने के बाद अच्छे से धो लेना है 3 से 4 बार। अब इसे 3 से 4 मिनट तक अच्छे से पकने के लिए छोड़ देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डाल देंगे हम चावल, यहाँ पे मैंने 2 कटोरी चावल लिया है तो मैं इसमें 4 कटोरी पानी डाल दूंगी। ये देखिए, मैंने 4 कटोरी ही पानी डाला है और अब इसे अच्छे से मिक्स करके पकने के लिए छोड़ देंगे। हमेशा चावल बनाते समय मेजरमेंट के हिसाब से ही बनाना चाहिए ताकि वे खिले खिले से बने। देखिए, उबाल आ गया। अब थोड़ा सा गैस कम कर देंगे और इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए, चावल पक चुके हैं। अब इसके ऊपर डाल देंगे हरा धनिया। थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए।